दुखद भरी खबर इस समय की जम्मू के तवी पुल से आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर आपको बताते चलें कि जम्मू के तवी पुल से जो है वो अभी भी एक युवक द्वारा जो है वो छलांग लगा दी गई है। हालांकि ये युवक कहाँ का रहने वाला है और क्यों इसने ऐसा काम जो है वो किया है, ये सब कोई भी किस तरह की जानकारी जो है वो नहीं मिल पाई है। लेकिन कोशिश करें कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि तमाम लोगों तक ये जानकारी पहुंच सके और खासकर जिस युवक द्वारा जो है वो यहाँ पर तवी पुल से छलांग लगाई गई है उसके परिजनों तक ये जानकारी पहुंच सके और परिजन उसका हाल जानने के लिए जीएमसी जम्मू में पहुंच सके। तस्वीरें जम्मू के तवी पुल से आपको लगातार दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर आपको बताते चलें कि एक नौजवान युवक द्वारा जो है वो जम्मू के तवी पुल से छलांग लगाई गई है और जिसके बाद पुलिस द्वारा फिलहाल उसे यहाँ से जो है वो रेस्क्यू किया गया है और लोकल्स लोगों द्वारा, लेकिन अभी तक उसकी हालत की बात करें तो वो फिलहाल नाजुक बताई जा रही है। लेकिन ऐसे में आप सब लोग दुआ जो है वो जरूर कीजिएगा और आप सभी लोगों की इस समय जो है वो दुआओं की बहुत ज्यादा जरूरत है। लेकिन लगातार इस तरह के हादसे जम्मू में देखने को मिल रहे हैं कि जिसमें तमाम जो नौजवान है ज्यादातर वो जो है वो ऐसा काम करते हैं कि जिसके चलते परिवार में सिवाय आंसुओं के जो है वो कुछ भी नहीं रहता है। काफी ज्यादा दुखद रहता है जब इस तरह के मामले जो है वो सामने आते हैं। लेकिन जनाब जम्मू के तवी पुल पर हम इस समय मौजूद हैं और यहां से आपको एक बहुत ही दुखद भरी खबर जो है वो आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। यहां पर आपको बताने चलें कि जम्मू के तवी पुल से जो है वो एक नौजवान युवक द्वारा छलांग लगा दी गई है और जिसके बाद उसकी हालत फिलहाल काफी ज्यादा जो है वो नाजुक बताई जा रही है। लेकिन पुलिस व लोकल्स लोगों की मदद से इस युवक को फिलहाल के लिए जीएमसी जम्मू में वहां पर पहुंचा दिया गया है ताकि इसकी जान को बचाया जाए। लेकिन अभी तक इस युवक के बारे में कोई भी पता नहीं चल पाया है कि आखिरकार ये युवक कहां से रहने वाला है और इसने ऐसा काम जो है वो क्यों किया है। इससे पहले की बात करें तो कई सारे युवाओं ने ऐसा कदम यहाँ पर उठाया है, लेकिन हर किसी ने ये वादा किया कि जनाब जम्मू के तवी पुलों पर फेंसिंग की जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ भी जो है वो अभी तक देखने को नहीं मिला है और जिसके चलते आए दिन इस तरह के हादसे जो है वो जम्मू के तवी पुल पर देखने को मिल रहे हैं। और ऐसे में हमारी भी डीसी जम्मू सचिन कुमार बैश्य जी से अपील रहेगी, क्योंकि वो बहुत ही होनेस्ट ऑफिसर हैं और हम उनसे ये अपील करेंगे कि जनाब ये जो जम्मू के जितने भी तवी पुल हैं इन पर जो है फेंसिंग की जानी चाहिए ताकि जो लगातार इस तरह के मामले जम्मू के तवी पुलों पर देखने को मिल रहे हैं जिसमें नौजवान जो है वो किसी न किसी वजह से आए दिन इस तरह का कदम उठा रहे हैं कि जिसकी वजह से उनकी जानें जो है वो जाया हो रही हैं। तो ऐसे में तवी पुलों पर फेंसिंग की जाए ताकि दोबारा कोई ऐसा मामला जो है वो सामने नहीं आए। लेकिन फिलहाल तस्वीरें इस समय की जम्मू के तवी पुल से आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि इससे पहले एक नौजवान लड़की द्वारा जो है वो छलांग लगाई गई थी, लेकिन अब बताया ये जा रहा है कि जम्मू के तवी पुल से जो है वो एक लड़के ने छलांग लगाई है और जिसके बाद इस लड़के की हालत काफी ज्यादा जो है वो गंभीर बताई जा रही है। लेकिन अफसोस इस बात का है कि एडमिनिस्ट्रेशन भी अब तक इस पर जो है वो ध्यान नहीं दे पाई है कि जिसके चलते लगातार इस तरह के हादसे जो है वो जम्मू के तवी पुलों पर देखने को मिल रहे हैं और जिसके बाद परिवार में सिवाय आंसुओं के पीछे जो है वो कुछ भी नहीं रह रहा है। तो ऐसे में आप सब लोग भी जो है वो जरूर दुआ कीजिएगा इस युवक के बारे युवक को लेकर के जिस तरह से उसने जो है वो जम्मू के तवी पुल से छलांग लगा दी है और जिसके बाद उसकी हालत जो है वो काफी ज्यादा क्रिटिकल बताई जा रही है। लेकिन उसके परिजनों तक जानकारी पहुंचाने के लिए वीडियो को जो है वो जरूर शेयर कीजिएगा। आपका एक शेयर जो है वो परिवार तक इस युवक के बारे में जो है वो जानकारी पहुंचा सकता है। ना जाने किसके घर का ये बेटा था जिसने ऐसा काम जो है वो ऐसा कदम जम्मू के तवी पुल पर यहाँ पर जो है वो कदम उठाया है कि जिसके बाद कहीं ना कहीं परिवार भी जो है वो जब उन तक ये खबर पहुंचेगी तो उन पर किस तरह का दुखों का पहाड़ टूटेगा। लेकिन आप सब लोगों से ये कहेंगे कि अगर आपको किसी भी तरह की कोई परेशानी है तो मेहरबानी करके आप इस तरह का कदम गलती से भी ना उठाएं कि जिसके चलते परिवार में सिवाय आंसुओं के जो है वो कुछ भी ना रहे। फिलहाल जम्मू के तवी पुल से एक दुखद भरी खबर आप तक साझा कर रहे हैं कि एक नौजवान युवक द्वारा जम्मू के तवी पुल से छलांग लगा दी गई है और फिलहाल ये कहां का रहने वाला है, इसने ऐसा कदम क्यों उठाया है, इसके बारे में कोई भी किस तरह की जानकारी जो है वो नहीं मिल पाई है। और ऐसे में आप सब लोग चाहें तो इस वीडियो को जरूर शेयर कर सकते हैं और जिस भी परिवार का ये बेटा है उन तक ये जानकारी जो है वो पहुंचाने की जिम्मेदारी जो है वो निभा सकते हैं। तो फिलहाल दुआ कीजिएगा माता रानी के आगे, वाहे गुरु जी के आगे, अल्लाह के आगे कि इस युवक की जल्द से जल्द जो है वो ठीक हो जाए और सही सलामती से अपने घर जो है वापस लौट सके। लेकिन लगातार इस तरह के हादसे जम्मू में देखने को मिल रहे हैं, यहाँ पर नौजवान इस तरह का कदम यहाँ पर उठा रहे हैं और आज फिर से एक दुखद भरी खबर जम्मू से उस वक्त सामने आई है जब एक नौजवान युवक ने जम्मू के तवी पुल से छलांग लगा दी है। देखते रहे जम्मू ट्रिब्यून, जय हिंद भारत।